पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें बालकृष्ण को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखा जा सकता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में रामदेव भी दिखते हैं। असल में रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए कुछ बयानों के बाद आईएमए और रामदेव के बीच तनातनी चल रही है। बात कानूनी लड़ाई की भी कही जा रही है। इसी सब के बीच ये वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें बालकृष्ण को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखा जा सकता है। साथ में लिखे गए कैप्शन से ये आइडिया दिया जा रहा है कि ये वीडियो कोरोना काल का यानी हाल का ही है। आपको ये बता दें कि ये वीडियो हाल फिलहाल का कतई नहीं है, यहां तक कि कोरोना वायरस के आने के बाद का भी नहीं। आप वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, और जिस तरह की स्थितियां आज हैं किसी भी अस्पताल में ऐसा संभव नहीं है कि लोग मास्क न पहने। हमने जब ढूंढा तो मालूम पड़ा कि यह वीडियो अगस्त 2019 का है। 23 अगस्त 2019 की कनक न्यूज की रिपोर्ट में रामदेव ने बालकृष्ण की सेहत के बारे में बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि जन्माष्टमी के मौके पर कोई व्यक्ति प्रसाद लेकर आया था जिसे खाने के 15 मिनट के अंदर ही बालकृष्ण की हालत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद वो बेहोश हो गए थे। उन्हें भूमानंद अस्पताल ले जाया गया था जहां से उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती किया गया। वहां उनकी हालत में काफी सुधार देखने को मिला था। लगभग 2:30 बजे कोई एक व्यक्ति प्रसाद लेकर के आया जन्माष्टमी के अवसर पर, और हमें नहीं लगता कि उसमें कोई इंटेंशनली उसने ऐसा किया। वो खाने के बाद 15 मिनट बाद ही आचार्य जी को चक्कर आने लगे, थोड़ा बीपी डाउन हुआ और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो गए थे। और फिर हमने इमिडिएटली जो है उनको मूव किया और पहले भूमानंद हॉस्पिटल में, तो कुछ उल्टी और बाकी कुछ यूरिन पास होने से जो है कुछ थोड़ा ठीक हुआ। फिर हमने बात की यहाँ एम्स, जो पूरे पूरे उत्तराखंड का और देश का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हमारे रविकांत जी उसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं। यहाँ मैंने सारी फैसिलिटीज़ को भी पहली बार यहाँ देखा, सारे डॉक्टर्स को देखा, और आते ही उन्होंने सारे टेस्टिंग किए, डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में। और अब करीब करीब 80-90% पूज्य आचार्य जी की तबीयत अच्छी है।